तो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा वहाँ से, ऐसा करिए कि अपने साथ दीजिए। सुनो ना बतिया, ये बतिया हम दर्शा दे रहे हैं कि मान लें कि एक एक क्लास में चार साल कोयला दबाव पंचायत के प्रांगण में उपस्थित हमारे न्यायालय संबंधित अधिकारी सरपंच साहब, पंच साहब एवं ग्राम की ग्रामवास मौजूद हैं, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। पहला बात यह है कि बहुत दुखद थोड़ा बात हो जाता है, क्योंकि न्यायालय द्वारा चाहे विभागीय द्वारा अनेक प्रकार की योजना का कार्यक्रम पंचायत स्तर पर करने का प्लान है, लेकिन कुछ माने सबको माने एगो इन्हीं के नहीं, केवल मुखिया जी के नहीं, केवल पंच के नहीं, सारे जो पदाधिकारी गण थोड़ा सा लापरवाही की वजह से बहुत सा जो समस्या है, बहुत सा जनता का जो पीड़ित है जनता, वह अपने समस्या का समाधान नहीं करा पाते, इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। अगर लगता है कि पंचायत स्तर से लेकर जिला तक प्रशासन अगर एकजुट हो जाता है तो लगता है समस्या कुछ नहीं बचेगा, लगता है समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना थोड़ा लेजी हो गए, हम अपने हम निकले थे 9 बजे निकले थे, 9 बजे निकले, उसके बाद सांसद उसा होकर माने ऐसे होकर हमारे बहुत टाइम लग गया था, यहाँ टाइम दे तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि इसके बाद हमको जाना है आपके कौन पंचायत है यहाँ पर मजीरवा काला में जाना है। लेकिन हम लोग को क्या होता है, इतना थोड़ा लेजी हो जाता है, आदमी टाइम पर नहीं पहुँच पाता है, इसके लिए बहुत सा जानकारियाँ छूट जाता है। जैसे हमारे न्यायालय द्वारा बहुत सा सुविधा है जो घर घर तक गांव गांव तक प्रत्येक लोगों को बताना है, लेकिन कुछ कमियां है जिससे वजह जो गरीब जानता है वह जान नहीं पाती है, और इसी वजह से क्या होती है वह परेशान का सबक बन जाता है। ये न्यायालय द्वारा जो हम लोगों को यहां भेजा गया है कि प्रत्येक पंचायत में जो शिविर चल रहा है, ऑल इंडिया पर चल रहा है, ऑल इंडिया चल रहा है, ये कम से कम पंचायत अभी इसके पहले आपका पंचायत रूप में था, उसके बाद उसका गांव में आए थे, बैरिया वो नहीं है उसका गांव में, सब हम आए थे यहाँ, लेकिन सचिव साहब आने वाले थे तो लेकिन बोले जब आए हम आपका इधर क्या पड़ता है विशेष बताना के बारे में, तो बोले कि शैलेश जी उसको आप प्रोग्राम को आप उसको ढेर कर लीजिए, हम थोड़ा एक दिन में फंस गए थे, कोई इंसिडेंट हुआ उसी में वो फंस गए, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो हम कहें कि ठीक है सर, हम जाकर वहाँ पर कौन सा माने इसका मतलब मेन भूमिका इसमें हमारे सरपंच साहब को होता है, जो कम से कम न्यायालय संबंधित अधिकारी ये अगर चाहेंगे तो एक यहाँ का मामला हमारे यहाँ नहीं जाए, लेकिन सही से चाह दे तो, लेकिन क्या होता है कुछ हो जाता है, इनके पास भी कुछ मजबूरियाँ हैं, हम नहीं कहते इनके पास भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन हमारा जैसे आप लोग न्यायालय में जाते हैं तो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से पूरा पंचायत कोर्ट में जैसे बहुत सा सुविधा है, जैसे तो मान लीजिए गांव जवान का थोड़ा सा फोन पर झगड़ा होता रहता है, थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, उसमें मान लीजिए सर तेजाब कांड हो गया, अगर मान लीजिए दो पार्टी झगड़ा किया और उसने किसी दूसरे ने कहा कि और दूसरे पर तेजाब बिक दिया, अगर थोड़ा बढ़िए तेजाब मान लीजिए बिक दिया, बिकने के बाद वह क्या होता है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, वह परिवार पीड़ित हो जाता है, तो हमारे यहाँ से उसको सहायता के रूप में कम से कम आपके 3 लाख से लेकर अधिकतम 7 लाख तक उसको सुविधा मौजूद है। उसमें पहला काम है कि उसमें मेडिकल और पुलिस रिपोर्ट लगाना है, अगर ये अगर सरपंच साहब चाहे मान लीजिए आप लोगों को जानकारी होता है तो कहीं मान लीजिए कहीं आपको सुनने में आ गया कि तेजाब हत्याकांड हो गया, तो इस पीरियड में पुलिस रिपोर्ट प्लस FIR लगाकर लोक अदालत में जैसे पेश किया जाएगा, जैसे मान लें सरपंच के माध्यम से जैसे जिसके माध्यम से लोक अदालत में ले जाते हैं जिला विधिक प्राधिकरण में लेगा, तो उसको जितना खर्च है सरकार उठाएगी, क्योंकि ये पैसा हमारे यहाँ से लौट जाता है,
करेंगे ही नहीं कि आप कहते हैं कि हमारे पंचायत में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आपको जैसे कहीं सुनाई दे, जैसे मान लीजिए आपको अदर पंचायत तो माना जिला के अंदर कहीं, अगर मान लीजिए दूसरे जिला में आप लोग करते हैं तो दूसरे जिला में वहां का जिला में सभापति का सिस्टम है। लेकिन क्या करते हम जानकारी के अभाव में हम लोग कहते हैं कि चलो गाय जाकर बैठना है पंचायत में, नहीं ये जो पंचायत है वो सबका है, गांव का लोगों का है। यहाँ पर आप लोग जो सरपंच साहब कहते हैं कि मीटिंग है तो कम से कम आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपके घर नहीं दूसरे हो बगल में हो तीसरे में हो चाहे कहीं रिलेशन में, अगर ऐसा अगर आप लोगों को मैटर भेटा जाता है तो हमारे यहाँ आप लोग दे दीजिएगा, उसको जितना अगर खर्च आएगा वे हमारे न्यायालय उसको करेगा, बाकी उसमें आप लोगों को कोई समस्या। दूसरा बात, दूसरा जैसे रेप का मामला है, जैसे आप लोग देखते हैं कि रेप का मैटर आजकल बहुत ज्यादा है जो हमारे न्यायालय में बहुत अधिकतर चल रहा है, इस न्यायालय का बोझ कम करने के लिए हम लोगों को पंचायत में जा रहा है। जब कम से कम अगर मान लीजिए छोटा मोटा झगड़ा है तो हमारे अगर सरपंच साहब चाहते हैं तो यही तो सुलभ समझौता करा कर इस मामला पूरा कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हम बोले थे कि रेप में अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर रेप में अगर मैटर आ गया कि ऐसा हुआ है किसी परिवार के साथ रेप हुआ है तो ऐसा ही सिस्टम है कि उसको पुलिस रिपोर्ट आप बस FIR लगाइएगा तो हमारे यहाँ अगर आप लोग डालते हैं जिला में सब अधिकार में डालते हैं तो वही सिस्टम है, जैसे न्यूनतम 3 लाख से लेकर 7 लाख तक उसको जांच पड़ताल किया जाएगा कितना परसेंटेज उसका क्षतिग्रस्त, उसी के हिसाब से उसको दावा डालने। पहला बात है कि अगर हम लोग शिविर में आए अगर हमको यहाँ मिल गया तो हम 15 दिन के अंदर उसको बिना जांच पड़ताल के 1,000 रुपये उसको मिलेगा। अगर उसके बाद जांच पड़ताल होगा तो जैसे जैसे सिस्टम के अनुसार होगा सर आगे प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे अगर जांच पड़ताल की प्रक्रिया जो चलेगा जैसे अगर उसका रिपोर्ट आएगा उसी के अनुसार से आपको जो सरकार की सुविधा है हमको आपको देने के लिए वचन देंगे। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए हो गया जैसे आप जैसे बच्चे हो गए, बच्चे के लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में लोग समझते हैं आपको व्यापार में तस्करी, जैसे में इसे तस्करी बच्चे को नहीं करना है क्योंकि हमारे यहाँ अलॉट है कि वैसा अगर व्यक्ति पकड़ा जाता है ऐसा इनका खून चला जाएगा चाहे किसी का अगर खून चला जाएगा तो तुरंत उसको पुलिस में FIR करना है। बच्चे में आप लोग क्या करते हैं पहले राइट एजुकेशन, एजुकेशन जो उनका हक है वो आप लोग घर क्या कर सकते हैं छीन नहीं सकते। बच्चे को किसी मान लीजिए दुकान पर काम नहीं करा सकते हैं, किसी घर में काम नहीं करा सकते हैं, आप लोग वहीं अगर काम कराते हैं आप अगर पकड़े जाते हैं तो इसमें आप लोग काम होते होंगे, इसमें आपको क्या हो जाए तो आप लोग को जेल हो सकता है। ये बहुत सा मैटर है, जैसे मान लीजिए जब मॉडल में भी प्रावधान किया है लेकिन मॉडल अगर मान लीजिए मॉडल हो गया किसी का, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए सोया हुआ है किसी ने आकर मार कर चला गया लेकिन जब पुलिस वहां आई, ठीक, पुलिस अगर वहां आई अगर आकर क्या कि घर वाला कहा कि हमको मालूम नहीं, ठीक है, वो नाम किसी को डालने से इनकार कर दिया, उस पीरियड में हमारे यहाँ आपको 3 लाख रुपया तक मिलेगा। अगर आप क्या करते हैं आप अगर मान लीजिए नाम नहीं देते हैं आप पुलिस जांच पड़ताल करके अपने हिसाब से किसी क्रिमिनल के नाम किसी आदमी के नाम डाल देती है तो उसका मान लीजिए उसका सजा होगा, उसका जो भी इसमें जो प्रोसेस चलेगा उसको मिलेगा लेकिन उसमें नहीं मिलेगा, उसमें उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये आप लोगों को हो गया पहला तेजाब हत्या कांड हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, बच्चे को आप लोग जैसे व्यापार व्यापार नहीं करना है अगर मान लीजिए कोई पकड़ा जाता है तो उसको आप लोग जिला सेवा प्राधिकार को संपर्क कर सकते हैं, उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। तो न्यायालय से तो बहुत सा समस्या आता है लेकिन हमारे आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, ये थोड़ा दुख होता है। दुखद बात तो आप लोगों को बताई दी है कि कोई मान लीजिए अफसर नहीं पहुंच पाता है तो मान लीजिए कोई सरपंच नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई एहतियात नहीं पहुंच पाता है। आज मान लीजिए सचिव साहब आते तो यहाँ का माहौल कुछ अलग था क्योंकि मान लीजिए PDO को सूचित कर दिया गया है, हमारे यहाँ से चिट्ठी निकल जाता है तो आप मान लीजिए वो भी लापरवाही, लेकिन अगर हम लोग क्या हम लोग को कलर कर लेना चाहिए लेकिन जेल में हम लोग को भेज दिया, पर जेल का जितना कैदी है सबका सर्वे चल रहा है, वहां पर भी ऐसा मान लीजिए कोई अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई परिवार का जेल गया है उसको मान लीजिए उसकी पत्नी की समस्या है उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ इसका सुविधा है, वही हम लोग को जेल में लिखा रहा है तो वहाँ हमारे यहाँ आप लोग आते हैं
तो उसको बच्चे के पढ़ने के लिए जो भी छात्रवृत्तियाँ हैं, जो भी उसको सुविधा है उसको मिलेगा। अगर मान लीजिए उसका परिवार मेडिकल चाहता है तो परिवार उसको मेडिकल हमारे जिला में सेवा प्राधिकार लिखेगा और उसको मेडिकल में अलॉटमेंट करेगा। तो ये समस्या है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिए, कम से कम हम लोग क्या करें, हम लोग इसका फायदा उठाएं, आम जनता इसका फायदा उठाए, क्योंकि समस्या तो बहुत है लेकिन इसी में कुछ ना कुछ को निदान किया। ये समस्या है और मैं चाहूंगा कि कुछ सरपंच साहब आप लोगों को संबोधित करें। सुनिए, देखिए काट दीजिए।